हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 5 फरवरी 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन मैंने कल एक्चुअली जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है वहां पे अपलोड किए थे, उनके आंसर भी यहाँ पे आपको वो साथ ही मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है वो है प्रोजेक्ट 75 आई को लेके। क्वेश्चन ही है वो है क्वेश्चन ये है कि प्रोजेक्ट आई जो आजकल न्यूज में दिखता है वो किससे रिलेटेड है या किससे एसोसिएट है। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है यहाँ पे फाइटर एयरक्राफ्ट, दूसरा ऑप्शन दिया गया है हेलीकॉप्टर्स, तीसरा ऑप्शन दिया गया है सबमरीन, जो चौथा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे अर्न फाइटिंग व्हीकल्स। तो अब आप सोचिए कि प्रोजेक्ट 75A है वो किससे रिलेटेड है। देखो ये वर्ड काफी न्यूज में रहता है। प्रोजेक्ट 75 है वो बेसिकली सबमरीन के डेवलपमेंट को या सबमरीन के निर्माण को लेकर है इंडिया में। तो डिफेंस एक्विजिशन जो काउंसिल है DAC के जिसे हम नाम से जानते हैं, उसके द्वारा भी हमारे देश में 6 नई सबमरीन बनाने के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, जिसका नाम था प्रोजेक्ट 75। तो ये आपको ध्यान रखना, प्रोजेक्ट 75 है वो इंडिया के अंदर सबमरीन है उनको डेवलप करने के लिए है। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। आप ये बताइए कि डिफेंस एक्विजिशन जो काउंसिल है यानी कि DESC है, इसका हेड या इसका चेयरमैन कौन होता है, ये आप बताइए कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के चेयरमैन है वो कौन होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है यहाँ पे इंटरचेंज शुल्क या इंटरचेंज फी को लेके। पहला स्टेटमेंट आपके सामने यह है कि यह निश्चित सीमा के बाद अन्य बैंकों की एटीएम सेवाओं का उपयोग करने के लिए ग्राहकों से ली जाने वाली राशि है। दूसरे ऑप्शन आपके सामने यह है कि विदेशी मुद्रा को स्थानीय मुद्रा में बदलने के लिए एजेंसी द्वारा जो चार्ज लिया जाता है वो। और तीसरा ऑप्शन आपके सामने यह है कि जारीकर्ता जो बैंक है ना, और जो इश्यूर बैंक हो या जारीकर्ता बैंक, तो उसका जो ग्राहक है उसके द्वारा भुगतान की गई राशि जब जारीकर्ता बैंक के बाद एटीएम का उपयोग करता है। तो देखो ये कह क्या रहा है तीसरा स्टेटमेंट, और चौथा कह रहा है कि नन ऑफ दीज। देखो हम इसकी बात करें इसके आंसर की, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो थर्ड बिल्कुल सही है। इंटरचार्ज फी होती क्या है, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मानो कि मेरा अकाउंट है वो SBI बैंक का है। अब मैं SBI के बैंक से तो अगर ATM के ट्रांजेक्शन करूंगा तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरा ट्रांजेक्शन फ्री रहेंगी। बट अगर आपको पता है कि अदर बैंक में ATM में जाके, से मान लो कि SBI का तो मेरा ATM कार्ड है और मैं HDFC के ATM मशीन में जाके वहां से पैसे विड्रॉ कर रहा हूँ, तो वो तो अलग अलग रूल आपको बताया कि 3 का, जैसे जो हमारी मेट्रो सिटीज होती है वहां पे 3 ट्रांजेक्शन फ्री होते हैं और बाकी नॉर्मल जो सिटीज होती हैं वहां पे 5 ट्रांजेक्शन तो फ्री होते हैं अदर बैंक में। अब जो ही मेरे 5 ट्रांजेक्शन हो गए, इसके बाद में अगर मैं यहाँ से पैसा निकाल रहा हूँ HDFC के ATM से, तो कुछ ना कुछ चार्जेस है वो कट जाएगा, 20 रुपए 30 रुपए जो भी। तो वो जो चार्ज होता है वो होता है इंटरचेंज फी। क्यों, ये आपको ध्यान रखना कि इंटरचेंज फी है वो कौन सी होती है। तो अब आपको आई होप यहाँ पे क्लियर है वो हो गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है वज्रा स्कीम को लेके। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू वज्रा स्कीम। पहला ऑप्शन आपके सामने यह है कि इट्स एम टू रिजर्व द ब्रेन ड्रेन प्रोसेस इन इंडिया। दूसरा ऑप्शन आपके सामने स्टेटमेंट यह है कि इट कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। तो अब आप एक बार सोचिए वज्र स्कीम के बारे में। देखो हम वज्र स्कीम के बारे में बात करें यहाँ पे, तो एक्चुअली हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है और दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि जो वज्र स्कीम है वो एक्चुअली HRD मिनिस्ट्री की नहीं है, ये है एक्चुअली यहाँ पे हम बात करें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी तो हो ही नहीं सकती मिनिस्ट्री ऑफ HRD की। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, स्टेचुरी बॉडी के तहत इसका निर्माण है वो किया गया है। और वज्र की फुल फॉर्म है वो आप यहाँ पे देखिए, विजिटिंग एडवांस ज्वाइंट रिसर्च फैसिलिटी स्कीम। मतलब हमारे देश में जो ज्वाइंट रिसर्च फैसिलिटी है इसको प्रमोट करने के लिए स्कीम है वो आई है। इसका मोटो ये रखा गया है कि इंडियन एकेडमिक एंड जो रिसर्च और डेवलपमेंट है इसके एरिया में ग्लोबल साइंस और जो साइंटिस्ट हैं उनको एक तरह से कोलैबोरेशन करवाया जाए, मतलब उनके साथ मिलकर रिसर्च है वो की जा सके। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो आया है CAR। ये कल एक्चुअली मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट भी किया था सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के बारे में कि समटाइम्स सेम इन न्यूज। तो आपको बताना है कि है क्या, कौन से, मतलब इसमें जो पूछा गया है कि कौन सी कंट्रीज के बॉर्डर है वो यहाँ पे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में है। पहला अपना आपके सामने है केन्या, दूसरा कोंगो, तीसरा सूडान और चौथा है यहाँ पे अटलांटिक ओशियन। तो अब आप एक बार सोचिए कि अटलांटिक ओशियन क्या क्या है। देखो हम बात करें सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की, तो इसमें एक्चुअली जो अफ्रीका की लैंडलॉक कंट्रीज हैं वो शामिल हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का मतलब यहाँ पे है कि अफ्रीका के जो सेंट्रल लैंडलॉक कंट्रीज हैं उनकी बात की गई है। तो देखो अब आप एक बार थोड़ा यहाँ पे देखिए ऑप्शन में, अटलांटिक ओशन तो यहाँ पे साफ साफ एलिमिनेट है, वो अपने आप हो जाएगा। तो आप पहले तो चौथे ऑप्शन को यहाँ पे एलिमिनेट करिए, तो चौथा ऑप्शन इसका मतलब यहाँ पे ये तो एक एलिमिनेट हमारे पास हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन बचे हैं A, B।
और एक है यहाँ पे डी, तो डी तो देखो होने वाला है नहीं क्योंकि लैंडलॉक कंट्री की बात कर रहा है। अब देखो हम ज्यादा लैंडलॉक कंट्री की अगर हम बात करें तो सुडान है वो लैंडलॉक्ड है, इसके साथ ही हम बात करें कोंगो है वो भी लैंडलॉक्ड है, तो इसलिए इसका ऑप्शन है वो हो जाएगा ये, केन्या है वो लैंडलॉक नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे ए कि दूसरा और तीसरा यहाँ पे करेक्ट है। चलते हैं अब हमारी डिस्कशन की तरफ। तो जो आज का पहला आर्टिकल है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन, है क्या रेलगन वो हम देखते हैं। देखो पहले तो हम जो नॉर्मल गन होती है, बंदूक होती है जो गोली चलती है उससे, उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। नॉर्मल क्या होता है, जैसे मानो कि ये आपकी बंदूक की गोली है ऐसे। अब बंदूक की गोली के जो पीछे वाला हिस्सा है इसमें क्या होती है, बारूद भरी होती है, और बंदूक चलती कैसे है कि जो पीछे बारूद होती है ना इस बारूद में इसको ट्रिगर किया जाता है, तो यहाँ पे आग एक तरीके से आग जलती है और उसका ब्लास्ट होता है, तो उसकी हेल्प से होता क्या है जो बारूद जलेगी यहाँ पे, तो जो आगे का हिस्सा जो गोली वाला हिस्सा है वो आगे मूव है वो करता है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है, मतलब नॉर्मल गन में क्या होता है कि बारूद है उसको जलाते हैं तो फिर गोली है वो आगे की तरफ मूव है वो करती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जो बारूद है ना इसकी जगह हम लाइट का या बिजली का यूज करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे इसको फोर्स देने के लिए गोली वगैरह को, या जो भी गन की जो आप बोल सकते हो यहाँ पे गन है इसको प्रेशर या इसको आगे मूव करने के लिए, तो ये ध्यान इसमें रखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन। तो देखो इसका जो सफल परीक्षण है वो अभी चाइना की नेवी के द्वारा किया गया है, तो यह ध्यान रखना कि वर्ल्ड की पहली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन है वो चाइना के द्वारा, चाइना नेवी है उसके द्वारा अभी डेवलप की गई है, उसकी अभी जो रिसेंटली रेंज है वो 200 किलोमीटर से ज्यादा है, तो ये तो आपको अभी रटने की जरूरत नहीं है। वैसे देखो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन का प्रोजेक्ट है वो यूएसए भी चला रहा था, बट लास्ट ईयर यूएसए ने उस प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर दिया था, तो ये आपको ध्यान रखना कि सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन का निर्माण है वो चाइना ने किया है। अब देखो इसका फायदा क्या होगा, अब देखो इसका फायदा एक तो ये होगा कि काफी लंबी रेंज है वो इससे हो जाएगी, एक तो हमें जो बारूद वगैरह उसका यूज नहीं करना होगा, तो कहीं ना कहीं इसका काफी बेनिफिट है वो देखने को मिलेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी और जो वेस्टेज होगा उसका भी काफी कम, मतलब काफी कम वेस्टेज है वो इससे होगा। तो ये देखो इसकी रेंज दी गई है कि जो रेलगन है इसकी उम्मीद की जा रही है कि ये 4500 माइल्स पर आवर की स्पीड से मूव करेगी, मतलब स्पीड काफी तेज होगी, तो दुश्मन के जो ठिकाने हैं उनको काफी सटीकता से, मतलब उनपे निशाना है वो लगाया जा सकता है, और उम्मीद की जा रही है कि चाइना है वो इसकी स्पीड है वो लगभग 5600 माइल्स पर ओवर तक है वो लेके जाएगा। तो ये इसके बारे में कुछ बेनिफिट यहाँ पे दिए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन में होता क्या है, बारूद की जगह वो लाइट का इलेक्ट्रिसिटी का यूज है वो किया जाता है ताकि उसको गोली को आगे तक धक्का दिया जा सके। हाँ नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है मिलेट विलेज स्कीम को लेके, तो है क्या मिलेट विलेज स्कीम के बारे में। देखो मिलेट होता क्या है, हम बात करें मिलेट का मतलब होता है जो मोटा अनाज, मोटा अनाज में जैसे कि रागी हुआ, बाजरा हुआ, मक्का हुआ, तो ये जो आइटम है इनको एक्चुअली मिलेट में काउंट है वो किया जाता है, और इनमें न्यूट्रिशंस काफी ज्यादा होते हैं और ये कहीं ना कहीं कुपोषण से निपटने में काफी हेल्पफुल है वो होते हैं, और इसके लिए गवर्नमेंट ने काफी सारे प्रोग्राम भी चलाए हैं, क्योंकि हमारे देश में अगर हम बात करें कुपोषण की तो काफी गंभीर समस्या है, तो उससे निपटने में जो मोटा अनाज है जिसे हम मिलेट के नाम से जानते हैं, दलिया हो गया, इस तरह की चीजें वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो अभी जो मिलेट विलेज स्कीम है वो केरला गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है, और इसके तहत दो पार्ट इसके और हैं, केरला के द्वारा एक सुपर फूड और ईट स्मार्ट नए कॉन्सेप्ट, एक नई स्ट्रेटजी है वो भी लाई गई है मिलेट विलेज स्कीम के तहत। अब इसमें होगा क्या वो हम देखते हैं, जो केरला की स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने वाला है, ये तो इसके इफेक्ट हो गए। तो हमने यहाँ पे मिलेट के बारे में तो जान लिया कि मिलेट होता क्या है, अब यहाँ पे एक वर्ड आता है सुपर फूड और ईट स्मार्ट, तो इनके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई सुपर फूड क्या होता है और ईट स्मार्ट है वो क्या होता है। देखो सुपर फूड का मतलब ये होता है कि वो खाद्य सामग्री जिसमें स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक पोषण तत्व होते हैं, जैसे कि जामुन हुआ, मछली हुई, पत्तेदार हरी सब्जियां हुई, इसके साथ नट्स हुए, इसके साथ साबुत अनाज हुआ, दही हुआ, ये सारी चीजें। और ईट स्मार्ट का मतलब क्या है कि जो खाना खा रहे हो वो स्मार्ट तरीके से होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में तो दबा के खाना खा रहे हो फिर 2 दिन आप भूखे रह रहे हो, मतलब खाना है वो प्रॉपर उसका शेड्यूल होना चाहिए, टाइम टू टाइम जितनी हमें जरूरत है हेल्दी खाना है वो हमें खाना है, तो होगा ईट स्मार्ट। तो ये दोनों वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पे एक फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि अभी रिसेंटली फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO है उसका 160वां सेशन हुआ था, और इस सेशन में ये हुआ था एक्चुअली रोम में 2018 दिसंबर में हुआ था, और इसमें एक चीज का अप्रूवल दिया गया था इंडिया को, वो दिया गया था कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है 2023 वो घोषित किया जाएगा। देखो तो इंडिया ने क्या कहा था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को कि भाई आप है ना 2023 को है ना इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के नाम पे घोषित है वो कीजिए, तो ये बात एक्चुअली फूड एंड एग्रीकल्चर काउंसिल ने स्वीकार है वो कर ली थी, तो ये फैक्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन जाता है कि 2023 का जो ईयर है वो फूड एंड एग्रीकल्चर काउंसिल के द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के तौर पर घोषित किया गया है।
नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है ऑपरेशन स्माइल को लेके। क्या है ऑपरेशन स्माइल वो देखते हैं। देखो वैसे जो ऑपरेशन स्माइल है इसके काफी सारे फेज आए हैं, फेज वन, फेज टू, फेज थ्री, फेज फोर, फाइव। तो ऑपरेशन स्माइल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का, और इसका मोटो ये रखा गया था कि जो बच्चे मिसिंग हो गए हैं, जिनसे भीख वगैरह मंगाई जाती है, जिनको कई जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है, उन बच्चों को बचाया जा सके, उनको वापस से दूसरी जगह रिहेबिलिटेट किया जाए, ताकि वो अपनी आजीविका जिसके उनको एजुकेशन वगैरह सब है वो मिल सके। तो ये था ऑपरेशन स्माइल, मतलब बच्चों के चेहरे पे स्माइल लाने के लिए ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का। ये इफेक्ट आपको ध्यान में रखना है। कंटेक्स्ट अभी यह है कि ऑपरेशन स्माइल का जो फिफ्थ एडिशन, जो इनिशिएटिव या हम बात करें ऑपरेशन स्माइल का जो पांचवा एडिशन है, वो अभी हैदराबाद पुलिस के द्वारा रिलीज किया गया था, और उसमें 325 बच्चों को रेस्क्यू है, एक तरीके से उनको मतलब बरामद किया गया, जिनको फोर्सफुली भीख मंगवाई जा रही थी या फिर उनको गलियों में खड़ा रखा जा रहा था। तो ये तो है कंटेक्स्ट यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ऑपरेशन स्माइल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का है, बच्चों को रेस्क्यू करके उनको वापस रिहेबिलिटेट किया जा सके। इसके साथ ही ऑपरेशन स्माइल है वो एक्चुअली तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा भी चलाया गया। तो आपको ध्यान रखना है ऑपरेशन स्माइल फिफ्थ वगैरह कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है भारत रंग महोत्सव के बारे में। है क्या भारत रंग महोत्सव का अभी 20वां एडिशन है, वो आयोजित किया गया है न्यू दिल्ली में। किसके द्वारा किया गया है वो इम्पोर्टेंट है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है उसके द्वारा भारत रंग महोत्सव का 20वां एडिशन आयोजित किया गया है, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्टली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। देखो जो भारत रंग महोत्सव है ये आज से लगभग 2 दशक पहले इसको स्टार्ट है वो किया गया था। क्यों? ताकि हमारे देश में जो थिएटर्स हैं, आपको पता है जो लोकल कलाकार वगैरह तो थिएटर से ही धीरे धीरे निकलते हैं और फिर आगे वो बड़े पर्दे पे जाते हैं, तो थिएटर को प्रमोट करने के लिए हमारे देश में भारत रंग महोत्सव है वो स्टार्ट किया गया था नेशनल ड्रामा स्कूल के द्वारा। तो ये फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे होता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया हुआ है नेशनल ग्रिड को लेके, कंटेक्स्ट क्या है। देखो अभी भारतीय प्रधानमंत्री है वो जम्मू एंड कश्मीर की यात्रा पे गए थे, तो अभी वहां उन्होंने क्या किया, 220 किलोवाट का श्रीनगर अलस्टैंग द्रास कारगिल लेह ट्रांसमिशन सिस्टम है उसको भी मतलब तो अप्रूवल दिया था। यह था कंटेक्स्ट। तो कंटेक्स्ट तो हमारे लिए कुछ दमदार नहीं है, बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है नेशनल ग्रिड। देखो जैसे ये आप भारत का यहाँ पे मैप हो गया पूरा, ये लो एक सेकंड, आपको पता है कि भारत के मैप भारत है इसके अंदर जगह जगह पे ट्रांसमिशन लाइन है इलेक्ट्रिसिटी की, पावर ग्रिड्स लाइन है जगह जगह पे। आपको पता है पावर प्लांट से मानो एक पावर प्लांट यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो एक तरीके से क्या कि जो मेन जो मोटी ट्रांसमिशन लाइन आपने देखी है इसका एक पूरा जाल बिछा हुआ है पूरे भारत के मेनलैंड वाले एरिया में। तो जो पूरा जाल बिछा हुआ है मेन पावर लाइन्स का, इसको कहा जाता है नेशनल ग्रिड। हो क्या रखा था कि जम्मू एंड कश्मीर में जो कश्मीर वाला एरिया है ना, वो एक्चुअली हिमालय की वजह से जो हमारा इंडिया का मेनलैंड है इससे थोड़ा अलग है, और इसकी वजह से वहां का जो ट्रांसमिशन लाइन थी वो हमारे नेशनल ग्रिड में कनेक्ट नहीं थी। तो अभी जो यहाँ पे श्रीनगर के अंदर जो ट्रांसमिशन लाइन का प्रोजेक्ट लाया गया है, इस प्रोजेक्ट में होगा क्या कि हमारे देश की जो मेन ग्रिड लाइन्स है ना, इनसे उसको जाल को कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा देखो ये होगा कि बाई चांस जम्मू एंड कश्मीर में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है, अगर वो किसी कारणवश बंद हो जाती है या वहां पे जो पावर प्लांट ठप हो जाता है, तो उस कंडीशन में वहां पे जो लाइट की सप्लाई है वो जो ट्रांसमिशन लाइन है दूसरी जो कि मेनलैंड से कनेक्ट है यहाँ से पहुंचाई जा सकती है। ये इसका मेन बेनिफिट होता है। मतलब ये मान लो कि जैसे ये मान लो कि इधर जो मुंबई वाले एरिया में भूकंप आ गए और यहाँ पे जो पावर प्लांट वगैरह है वो ठप हो गए, तो अब यहाँ पे लाइट की जरूरत है। तो नेशनल ग्रिड के तहत अगर सारी लाइटें जो सारी इलेक्ट्रिसिटी के जो ग्रिड्स हैं मेन वो अगर कनेक्ट है ट्रांसमिशन लाइन, तो होगा क्या इधर वाले पावर प्लांट से या किधर से भी पावर प्लांट से मुंबई में लाइट भेजी जा सकती है। तो मतलब आपस में कनेक्टेड होना जरूरी है, उस कनेक्शन को यहाँ पे बोला गया है नेशनल ग्रिड। तो ये आपको ध्यान रखना है जो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई और ट्रांसमिशन लाइन होती है उनको यहाँ पे नेशनल ग्रिड के नाम पे जाना गया है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अंडमान निकोबार और जो लक्षद्वीप समूह, मतलब ये जो तीन आइलैंड है, ये एक्चुअली नेशनल ग्रिड से कनेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये इंडिया के मेनलैंड से अलग है, तो इसलिए यहाँ तक ट्रांसमिशन लाइन है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये आपको छोटा सा फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट के तौर पे ध्यान है वो रखना है। ये थी देखो आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।